हेलो गाइस, और कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो भाई जो भाई चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो गलतियाँ बार बार अक्सर भाई लोग कर देते हैं क्रोशिया में आने के लिए, यूरोप का वीज़ा लेने के लिए, ठीक है, तो बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर बोलता हूँ हर एक वीडियो में अपनी हर एक वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि भाई ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, बट फिर भी अपने भाई लोग नहीं मानते और क्रोशिया आ जाते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं बताता हूँ आज आपको कि क्या वो रीज़न है जिसके लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्पेशली जो अभी क्रोशिया में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। सब भैया नु राम राम, और कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आई होप कि आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। तो भाई बहुत से भाइयों के कमेंट और अक्सर यही पूछते हैं कि भाई क्रोशिया का वीज़ा क्यों नहीं लग रहा है, और इस क्या हम बार बार यही बोलते हैं कि भाई अवेयर करते हैं भी ये ऐसा काम मत करो, ठीक है। ओपन वर्क परमिट इज़ नॉट अ बेस्ट वे, बट फिर भी हमारे भाई जो हैं वो क्रोशिया में एंटर कर जाते हैं विदाउट जॉब्स के, ठीक है, ओपन वर्क परमिट पे आ जाते हैं। वो बाद में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना, क्रोशिया का वर्क परमिट वीज़ा नहीं लग रहा था, वो लग भी रहा है, वो लग रहा है जो कि जिसको हम बोल देते हैं ओपन वर्क परमिट वीज़ा, ठीक है, जिसमें लोग बहुत सारे आ रहे हैं क्रोशिया में। इसको लेके ना बहुत ज़्यादा रफड़ा चल रहा है ना, हम आ तो जाते हैं फिर वहाँ पे जॉब मिलना और बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी कोई सीज़न नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्रोशिया में। तो विदाउट सीज़न भी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होती है, और जो भी जॉब मिलती है जस्ट अभी राइट नाउ जो उधर है वो खाली फूड डिलीवरी का ही वहाँ पर जॉब है, ठीक है, वो भी आगे जाके मुश्किल होने वाली है उसको भी, ठीक है, क्योंकि फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं जो नवे एम्प्लॉय आते हैं जो हायरिंग करते हैं वो, क्योंकि उनको भाई वो इतनी जल्दी बाइक्स नहीं देते हैं, ठीक है, जो भी भाई होते हैं तो उनको पहले साइकिलें देते हैं क्योंकि लाइसेंस की भी दिक्कत आ जाती है, लाइसेंस को अपना कन्वर्ट कराने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो कन्वर्ट कराने के बाद ही वो लोग वहाँ के आपको मोटर बाइक्स देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है ओपन वर्क परमिट में कि आप भाई आपको बोलते हैं हर वीडियो में मैं यही आपको सजेशन करता हूँ कि भाई आप ओपन वर्क परमिट में ना आओ क्रोशिया, ठीक है, हर एक वीडियो भी आप नहीं मानते, फिर आप आगे वहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, और जॉब भाई मिल भी जाती है तो वहाँ पे मिलने के बाद भाई लोग पैसे बहुत मांगते हैं वहाँ पे से, सबसे पहली बात ये है, इतना पैसा लगाने के बाद भी फिर वहाँ पे आके आपको पैसा देना पड़ जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पे ना आने का, ठीक है, अगर आप आना चाहते हो तो वर्क परमिट पे ही आओ, जेन्युइन वर्क परमिट पे आओ ताकि आपको वीज़ा हो। बोलते हैं कि भाई ना हो ओपन वर्क परमिट पे, क्योंकि ओपन वर्क परमिट भाई आने का एक जरिया है, अगर आप ओपन वर्क परमिट लगा है तो भाई आप वहाँ पे जो फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है, दिक्कत क्या, लोग वहाँ पे आपसे पैसे बहुत मांगेंगे, दूसरी बात फिर आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, तीसरी बात फिर आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके बाद फिर पैसे लगते हैं भाई, ठीक है, तो पैसे लगते 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 बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि अगर आपकी सेटिंग आगे हो, मैं आपको सही राय दूंगा, अगर आपकी सेटिंग आगे इटली, स्पेन, जर्मन, पुर्तगाल, कहीं भी आपकी सेटिंग हो अच्छे से, ठीक है, ताकि वहाँ पे आप आओ अपने पुर्तगाल में या किसी भी कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं, ठीक है, उसके बाद भाई आपके लिए ईजी हो जाता है काम करना। बट अगर आप सोचते हो कि हम पुर्तगाल या क्रोशिया में ओपन वर्क परमिट पर आ जाएं तो भाई काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नए बंदे को भाई इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलता, और दूसरी बात लोग मिलते ही हैं ऐसे, ठीक है, जो कि लूटने वाले ही हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बंदे को जज कर लेते हैं, हाँ ये फंसा हुआ है भाई, ठीक है, इसको कैसे करना है, कैसे इसको हैंडल करें, कितना इससे पैसा मांगना, फंसे हुए से भाई कोई भी कितना भी पैसा मांग सकता है, ठीक है। तो ये एक वहाँ की मेन दिक्कत बन चुकी है इस टाइम की,
क्रोशिया की। बाकी जो सीजन में होता है तो सीजन में भाई कोई दिक्कत नहीं है, सीजन में काम बहुत होता है, हर एक कंट्री में होता है सीजन में काम, जब टूरिस्ट का सीजन होता है। इस टाइम ओवर हो गया सीजन, 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा इस मंथ की, तो मैं तो यही सजेशन करता हूँ हर बार, पर आप लोग मानते ही नहीं हो यार, क्या करें। ठीक है, बाद में फिर आप कमेंट करते हो भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, प्लीज़ हेल्प करो, है ना। तो भाई करनी भी पड़ती है, अभी जितना अपने हाथ में होता है उतना हम करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमारे भी भाई इतना लिंक नहीं है वहाँ पे। जितने लिंक हैं उनसे हम आपको जितनी हेल्प हो सकती है वो आपकी कर देते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जस्ट ओनली ओपन वर्क परमिट के लिए थी भाई, ठीक है, जो कि हर एक के साथ वहाँ पे इस टाइम हैपनिंग हो रही है ओपन वर्क परमिट पे। उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई इस टाइम, ठीक है। 7 लाख टू समथिंग लगा के बंदा उधर आता है, ठीक है, उसके बाद उसके पास जॉब नहीं होती है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है बंदे को। इवन अगर जो ये सब कुछ मेरे साथ हो, ठीक है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी क्या करें, है ना, बंदे को मूव ऑन तो होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं बैक तो नहीं जा सकता ना, बट कहीं भाई कर देते हैं, अभी बैक भी चले जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है भाई वो ही जाते हैं, बाकी हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो भाई जो फाइंड करने की बहुत अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अगर आपको आना ही है तो वर्क परमिट पे आओ भाई, ओपन वर्क परमिट पे ना आओ। अगर आपको मूव आगे होना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ओपन वर्क परमिट पे विजिट करो क्रोशे में और मूव हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, ईजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको काम करना है क्रोशिया में तो भाई आपको वर्क परमिट लेके ही आना, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं हो आप इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी कर सकते हो, मेला वाली है सभी मेला वाली के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों इसी नाम से हैं, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ भी है मैं आपका जवाब दूंगा, पर लेट हो जाता है पर जवाब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई लोग। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहना, अगर आपको अच्छी लगे तो देना भाई, अदरवाइज कैंसिल ही कर देना, वॉच भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, रियलिटी बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, जो भाई न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।